दुर्ग कलेक्टर ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में राजनीतिक दलों एवं मीडिया की बैठक लेकर निर्वाचन नामावली विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारियां दी। निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण आहर्ता 1 जनवरी 2024 मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में कलेक्टर सभा कक्ष में राजनीतिक दलों और मीडिया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडिया को निर्वाचक नामावली विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि जिले में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, जिसमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, वैशाली नगर, भिलाई नगर एवं अहिवारा विधानसभा तथा आंशिक विधानसभा साजा एवं बेमित्रा हैं, जिसमें कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है। वहीं बताया गया कि 1 जनवरी 2024 की स्थिति में प्रारंभिक प्रकाशन 6 जनवरी 2024 तक की स्थिति में पुरुष 7,14,106, महिला 7,21,472, थर्ड जेंडर 54 हैं, जिसमें कुल मिलाकर 14,35,632 मतदाता हैं। इनके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या बताई गई। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर ने सारी जानकारी उपलब्ध कराई है। अंतिम प्रकाशन आज किया गया है। जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं उसमें सब में हमने बूथ वाइज मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है और आज पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमने ब्रीफ कर दिया है कि जो सूची है उसका एक बार अवलोकन कर लें और कुछ भी अगर समस्या आती है तो उन्हें तुरंत अवगत कराएं। जिले में आज की तारीख में 14,08,376 कुल मतदाता हैं, जिसमें 7,08,020 महिलाएँ और 7,301 पुरुष मतदाता हैं। 55 हमारे थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो 18 से 19 वर्ष की उम्र के वोटर्स हैं वो 31,317 हैं। इसके साथ ही जो वरिष्ठ मतदाता हैं, जो 80 से ऊपर की आयु वर्ग के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी संख्या 13,984 है और इनके लिए एट होम वोटिंग की सुविधा पिछले विधानसभा चुनाव के अनुसार ही इस बार भी उपलब्ध रहेगी। दिव्यांग मतदाता भी जिले में 8,856 हैं और ये भी अपनी सुविधा के हिसाब से अगर चाहेंगे तो एट होम की वोटिंग ऑप्ट करवा सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी इनकी फोटो रहित अवेलेबल रहेगी इलेक्शन ऑफिस में और जितनी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको फोटो युक्त हार्ड कॉपी भी हमने अवेलेबल करवा दी है। कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 1950 जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कार्यालयीन समय पे 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक वर्किंग डेज पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप खुद एक वोटर है और अपना डिटेल्स चाह रहे हैं तो ECI की जो वोटर हेल्पलाइन है ऐप है, वोटर ऐप है, और ECI का जो वोटर पोर्टल है उस पर आप जा करके आप कौन से बूथ में आपका नाम है वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जितने भी लाइसेंस्ड जिनको भंडारण के लाइसेंस हैं और जिनको दुकान के लाइसेंस हैं उनका सबको दोबारा से SDM और हमारी जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की टीम है वो जाकर के एक बार इंस्पेक्शन कर ले रहे हैं कि जो नियम के अनुसार है वो अपना भंडारण कर रहे हैं या उनकी पटाखे की बिक्री कर रहे हैं, और जो भी इस प्रकार की अवैध भंडारण या बिक्री करते हुए पाए जाते हैं उस पर सब कार्रवाई करने के लिए। भंडारण को लेकर के थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, आपके जो सुरक्षा के ध्यान है उनको रखना चाहिए। अगर छोटे स्केल पे दुकानों में उनके अगर लाइसेंस उनके पास उपलब्ध है तो वो बेच सकते हैं, बेसिक अगर अपने फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब का ध्यान रखें। बाकी अगर कहीं इलीगल कहीं पे भी सेलिंग हो रही है तो हमारी टीमें, नगर निगम की टीम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो हमारे रेवेन्यू का प्रशासन है वो पूरा फील्ड में अगले 1-2 दिन में जाँच करके उसको ठीक कर। फायर सेफ्टी को लेकर के जो आपके नॉट जस्ट पटाखा फैक्ट्रीज, जितने भी एक्सप्लोसिव हैं या इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको हमारे जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर हैं और जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी लगातार इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनकी संस्थाओं में जो प्रावधान रहते हैं कि आपको फायर सेफ्टी के लिए नॉर्म्स हैं, आपके पास में फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, नियर बाय उनका रास्ता होना चाहिए अगर एम्बुलेंस की फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़े, तो उन सबकी हमने इंश्योर करवा रहे हैं कि वहाँ पे हो ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना जिले में इसमें ना हो। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।